जालौन में चोरी की घटनाओं पर नहीं लग रहा अंकुश। मोटरसाइकिल की चोरियों के बाद चोरों ने सूने पड़े मकान में चोरी की घटना को दिया अंजाम। लाखों रुपए के जेवर और नकदी लेकर चोर हुए फरार। लगभग 10 लाख रुपए की चोरी को बता रहा है पीड़ित परिवार। बेटी के जेवरों को ले उड़े चोर। 27 अप्रैल को होनी थी लड़की की शादी। चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। नकाबपोश चोरों की बारात घटना के बाद निकलती आई नजर। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के मैकेनिक नगर का मामला। मतलब मैं शादी में चला गया था गांव, तो मतलब जो है कहना यहाँ कोई था नहीं। पता नहीं कितने टाइम इन लोगों ने मतलब जो ताला माला तोड़ के सब जेवर जंगड़ पैसा ऐसा करने से, बिटिया की शादी थी तो उसके वजह से थोड़ी व्यवस्था में लगे हुए थे हम। सामान सट्टा पैसा था, 3 लाख रुपया कुछ जेवर था पुराना, मंगलसूत्र वगैरह, अंगूठी वंगूठी, चूड़ी वूड़ी, ये सब था। अच्छा, लगभग कितना की चोरी हुई होगी? लगभग ऐसी होगी 8-10 लाख की। कभी आपने पुलिस को कंप्लेंट कर दी? कर दी। कुछ ज़्यादा किसी में शक लगा आपको तो चोरी में? चोरी शक कुछ लगा ही नहीं। शक क्या लगाया, वो कोई था ही नहीं, वो क्या बता रहे। अच्छा, सीसी कैमरे में कुछ? सीसी कैमरे में दिखे हैं, उन्हीं लोगों ने देखे, अभी फुटेज नहीं निकाली है, पुलिस वालों ने निकाले हैं तो लोग देखें। बिटिया की शादी कब थी आप? बिटिया की शादी हमारी ऐसी थी 27 अप्रैल की, उसी के लिए सब व्यवस्था कर रहे थे पैसे ऐसे की। घर पर काय को रखते, घर पर कोई रखने का मतलब ही नहीं था। कल तिलक था घर में, थोड़ा चले गए थे। हाँ ही कोई हम मैडम है और बच्ची है, बच्चे 4 लोग थे। हमने कहा बच्ची को, बच्चा को छोड़ जाओ तो